हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 20 फरवरी है और आज टाटा स्टील में देखा आपने क्या, वो 490 के साथ आज 20 पॉइंट के साथ, 4.29 के साथ टाटा स्टील ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। जहाँ जब मैं आपको बताया था उसके बाद वो 4441 का लो बना दिया था, 52 वीक का लो बनाया था। उसके बाद जब मैंने वीडियो आपको दिया था उसके बाद ये 441 का लो बनाया और उसके बाद से ये कंटिन्यू मिड अप लेते रहा और आज हाई उसने 493 का बनाया और 491 पे क्लोज दिया। उसका एक रीजन है कि मोडी ने आकर के यहाँ पे अपग्रेड दिया है, इसके रेटिंग को अपग्रेड किया है फ्रॉम BA3 से BA2 को। मोडी अपग्रेडेड टाटा स्टील कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग, इनको बताया गया कि ये अच्छे खासे हैं, इनको पेमेंट वेमेंट का कोई इशू नहीं है और ये अच्छे खासे कैश जनरेटिंग कंपनी है और इनकी रेटिंग को अच्छा बताया गया, निगेटिव से स्टेबल कर दिया गया है, पॉजिटिव से स्टेबल किया। द आउटलुक हैज बीन चेंज टू स्टेबल फ्रॉम पॉजिटिव, मोदी सेड इन ए स्टेटमेंट। दिस अपग्रेड रिफ्लेक्ट द सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन द कंपनीज क्रेडिट प्रोफाइल स्टीमिंग मेनली फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन इफिशियंसी एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन एज वेल एज स्टेबल डिमांड एंड प्राइस कंडीशन इन इट्स मेजर मार्केट कस्तुभ चौबे ए मोदी VP सेड। कस्तुभ चौबल मोदी के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने ऐसा बताया है कि इसकी जो पेमेंट कैपेसिटी है कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को सुधार दिया गया है, बेस्ड ऑन BA3 से BA2 किया गया, पॉजिटिव से स्टेबल रखा गया। और इस न्यूज के बाद आप देखेंगे तो ये अच्छा खासा अपग्रेड हुआ और ये भाग गया और 491 रुपये तक ये चला गया। कोई बात नहीं, अब इसके एक बार चार्ट पे जाकर के अगर हम देखते हैं, चार्ट पे देखें तो आप देखेंगे ये डबल टॉप पैटर्न, ये इसी रेंज में यहाँ पर आप देखिए यहीं पे जाता है। आप इसको छोटे में देखिए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे जा करके ऊपर जाता है और यहीं से फिर फॉल करता है जो कि 496 का है, और 496 अगर क्रॉस करता है तो 505 और 505 के बाद 512। 512 क्या है, 512 आपको एक जगह और आपको मिलेगा। ये 512 जो है वो 100 डेज का मूविंग एवरेज है जो कि यहाँ पे है, तो 512 आपका ऐसे भी 100 डेज का मूविंग एवरेज है तो आप 512 तक ये ट्राई कर सकता है। लेकिन सबसे पहला प्रॉब्लम कहाँ पे है इसको, सबसे पहले ये जो 496 आप देखेंगे डबल टॉप पैटर्न बनाता है, ये यहाँ पे आवरली बेसिस पे चार्ट है, तो ये 496 के आसपास 497 तक ये जा करके यहाँ से फिर फॉल करता है और इस लेवल पे ये ट्राई करता है, यहाँ पे आता है और वापस यहाँ पे 464 तक आता है। तो ये एक पैटर्न है, अब यहाँ पे आपको वाच रखना पड़ेगा कि ये 496 के बाद क्या करता है, 496 के बाद अगर तोड़ता है तो 505 का एक लेवल है, ये 505 तक जा सकता है, इस लेवल तक जा सकता है और 505 हटा भी दे तो एक बार 496 के बाद एक बार हो सकता है 512 की और ये ट्राई कर सकता है। तो अब सीधा आप इस लेवल को अगर हटा भी दूँ, मैं डिलीट भी रिमूव भी कर दूँ तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर 496-97 का लेवल, ये थोड़ा 496.63 497 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो ये एक बार ये वापस 512 की ओर दिखा सकता है और 512 अगर आप मूविंग एवरेज देखें तो ये 512 के बाद 527 और जाता है तो 541 भी जाएगा, लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं जाएगा। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ टाटा स्टील कोई खराब सेक्टर नहीं है, लेकिन आप समझिए अगर किसी ने 441 पे बाई किया होगा, जो इसका लो बनाया था 441, अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, ये 441 बनाया था इसने, ये बनाया है आपको 29 जनवरी 2019 को 441.35 का लो बनाया है, तो अगर कोई यहाँ बाई किया होगा तो 100% यहाँ अब जा रहा और ये बहुत ऊपर गया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी संभावना है और वापस वहाँ से ये रिट्रेस्ट होगा। आप समझिए 50 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट हो गया है, 55-60 रुपये, तो वहाँ से 27 रुपये तो गिरने पूरा संभावना है, 30 रुपये भी माने आप तो 465 को वापस ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा, वापस ये नीचे आएगा और वापस ये अपने यहाँ पे वापस 465 की ओर टेस्ट करेगा। तो अब शॉर्ट टर्म के लिए यही स्ट्रेटजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये 522, 555, 600, 650 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है, इसमें बहुत दम है और आराम से आपको 6 महीने, अगर साल भर का भी टारगेट लेते हैं अभी भी तो आपको 600 रुपये का टारगेट है, इसमें आराम से ये आपको दिखा सकता है 600 रुपये 650 रुपये। ये अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रॉब्लम खाली इसका सेल्स ग्रोथ को लेकर के है, सेल्स ग्रोथ में थोड़ा सा अगर अच्छा हो जाए, रिकवरी आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा
कोई खास नहीं है। और अभी भी देखेंगे तो पी रेशियो 3.28 है, बहुत कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.99 है। डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा बड़ा है, आप देखेंगे 36 से 44% की डिलीवरी हो गई है, तो बाइंग लोग कर रहे हैं अभी भी। चाहे तो नीचे तो ये एक बार जाएगा, तो कोई भी चाहे वेट करना तो आप वेट कर सकते हैं, कोई शक नहीं इसमें, नीचे जाना है उसको। और फाइनेंशियल देखेंगे आप, अब जो दिसंबर का दिया तो नेट सेल्स में थोड़ी सी गिरावट इसको आई है, अदर इनकम में भी गिरावट आई है। अगर सेप्टेम्बर क्वार्टर से गए तो अब नेट प्रॉफिट में भी इसकी गिरावट आई है, और क्वार्टरली बेसिस पे मैं बोलूँ इसके, तो ये एक चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने जैसी है। और अगर मैं एक बार आपको शेयर होल्डिंग परसेंटेज भी दिखा दूँ, पैटर्न में शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ, वो भी ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे इन्होंने 32.31 से इन्होंने 32.32 प्रोमोटर ने बाइंग किया है। दिसंबर में 0.01 से बाइंग हुई है प्रोमोटर ने, प्रोमोटर खुद बाय कर रहे हैं। और शेयर प्लेस बाय प्रोमोटर वो भी जरूरी है देखना, वो रखा है कि नहीं रखा है। नो डाटा फाउंड फॉर द प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर ग्रुप, तो इस बीच में इन्होंने कोई भी प्लीज नहीं किया, अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा, एटलीस्ट एक अच्छी बात है। तो टाटा स्टील में अभी अगर हम कहें ये बाय रिकमेंडेशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज से आपको 465 का रेट वापस दिखाएगा, तो आपको खुद अपनी पोजीशन बनानी है। कैसे करना है आपको, आप खुद डिसाइड कीजिए। ये जो वापस एक बार नीचे रिट्रेस होकर के नीचे जाएगा 465 पे, इसको अच्छा खासा सपोर्ट है। 465 तोड़ता है तो फिर आपको एक बार हो सकता है कि 442 वापस टेस्ट करेगा, पहले 454 और फिर 442 ये टेस्ट करेगा, और इसको तोड़ेगा तो फिर नीचे की ओर 437 की ओर जाएगा ये। तो 437 से नीचे बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए इसको किसी भी हालत में, तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल भी है 437 पे। इसको मेरे अंदाज से भी 441 ही बहुत हो गया, 441 ही बहुत लो चला गया था ये। लेकिन वापस आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टॉप बना करके वापस फॉल करता है, तो 496 497 पे वाच रखिए यहाँ पे, और उसके बाद 512, ये दो एक लेवल है जहाँ तक ये हो सकता है। क्योंकि आप देखिए वॉल्यूम, आप देखिए तो वॉल्यूम जो 10 डेज के मूविंग है, 20 डेज के मूविंग वॉल्यूम है, उसको क्रॉस किया हुआ है इसने। इनफैक्ट ये क्रॉस तो कर चुका था आपको यहीं पे 20 तारीख को ही क्रॉस किया था। तो अगर आप टाटा स्टील में यहाँ पे बाय किए होंगे तो आपको अच्छा खासा गेन होगा, देखने इस लेवल पे भी किया होगा गेन, जबकि ये 477 का लो बना करके 485 की क्लोजिंग दिया था, तो भी आज आप यहाँ पे 491 495 93 का हाई लिए होंगे, 5-7 रुपये तो यहाँ पे अभी भी मिल गया होगा। तो वॉल्यूम आप क्लोजिंग देखिए अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ हुआ है, और आप देखेंगे तो आज 1,54,87,000 का वॉल्यूम हुआ है, उसमें डिलीवरी 32,21,000 का हुआ है। और प्राइस जहाँ 472 से जहाँ जाके इस क्लोजिंग प्राइस 470 की थी लास्ट, सीधा वहाँ से 491 का प्राइस लेके आ गया। और अभी भी 486 की जगह 400 वॉल्यूम वेटेड एवरेज से कहीं ज़्यादा 5-6 रुपये ऊपर की और की क्लोजिंग दिया है इसने। तो अभी भी एक बार ये 496 को टेस्ट कर सकता है, 496 512 ये जो दो लेवल है आपको वहाँ पे वॉच लिस्ट रखना चाहिए। और डेरिवेटिव में भी अगर जाकर के मैं देखूँ तो आप देखिए यहाँ पे अब शॉर्ट कवरिंग हो गया, जो शॉर्ट करके बैठे थे सब अनवाइंडिंग हो रहा है, सारी अनवाइंडिंग हो रही है यहाँ से। और अब केवल अब बाइंग कुछ देखेंगे तो थोड़ा मोड़ा 510 पे शॉर्ट बाइंग पोजिशन बनी है कॉल में, और बाकी जितने लोग शॉर्ट करके बैठे थे सब अनवाइंड करके यहाँ से निकल रहे हैं। और इधर देखिए पोर्ट की ओर तो अच्छी खासी 470 480 490 पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसको शॉर्ट किया जा रहा है। 493 का फरवरी 20 का अगर मैं एट द मनी देखूं 490 का, तो आप देखेंगे 490 पे 262,000 की अनवाइंडिंग हो रही है, और जबकि यहाँ पे 432,000 का एडिशन हो रहा है पुट में। इस स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि लोग अब 490 500 510 तक जा सकता है, और आप देखेंगे तो 510 तक यहाँ पे पुट में शॉर्ट किया जा रहा है, और 510 तक यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो हो सकता है कि एक बार 512 आपको यहाँ पे दिखा दे 510, लेकिन 520 अनवाइंडिंग हो रही है, और 520 में इधर पुट पे भी कोई पोजीशन नहीं है, और 530 540 से इधर भी अनवाइंड हो रहा है, इधर जो शॉर्ट किए थे वो अनवाइंड करके निकल रहा है, तो उतना ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अभी जो लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए आपको 13,00,000 14,00,000 का सपोर्ट है 480 पे, तो 480 हो सकता है इस महीने की क्लोजिंग नहीं तोड़े, और ऊपर 510 512 तक आपको हो सकता है कि वो शो कर दे 500। तो ये जो आपको यहाँ पे सपोर्ट बता रहा है कि 496 अगर क्रॉस करता है
जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 496 क्रॉस करता है तो 512 के लेवल को भी दिखा सकता है, ये आपको जो बता रहा है। तो ये 512 के टारगेट के लिए हो सकता है कि ये आपको टच करे, यहाँ पे आपको दिखाए, जो कि वापस आपका ये जो है वो कौन सा मूविंग एवरेज है, ये आपका 50 डे, देखिए ऑलरेडी 20, 9, 20 और 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ये 100 के मूविंग एवरेज की ओर जा रहा है, और अगर ये 512 क्रॉस करेगा तो 527 जाएगा। तो टाइम बीइंग इसमें एक शॉर्ट मोमेंटम जारी हुआ है, मेटल में खरीदारी आ रही है वो भी एक रीजन है, और मूडीज ने जो अपग्रेड किया ये भी एक रीजन है। ये इस कारण से आपको एक बार 512 का लेवल हो सकता है टाटा स्टील में देखने को मिले, बट वहां पे ये स्टे नहीं करेगा, वापस नीचे 465 की ओर जरूर आएगा एक बार, तब वहां पे इसको हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बाइंग कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से था, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है आप किसमें कोई पोजिशन बने, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही इसमें कोई पोजिशन बनाइएगा। तो टाटा स्टील पे एक छोटा सा बस इतना ही अपडेट था।